हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम हियर इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड लेसन ऑफ द टेंथ क्लास। टेंथ क्लास का जो सेकंड लेसन है, इंग्लिश बुक का सेकंड लेसन, वो डालने जा रहा हूँ द सुनामी। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द सुनामी। सुनामी में ये टी साइलेंट है। व्हाट इज़ द सुनामी? सुनामी क्या होती है? सुनामी इज़ द बिग जायंट वेव्स इन द सी। सुनामी है वो समुद्र की विशाल बड़ी लहरें हैं, उनको सुनामी कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन, सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन जिसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो नीचे। द सुनामी, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मैप को देखो, लुक में से देखो। एट द मैप, मैप पर, ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो द्वीप है, जो मैप है उसको देखिए। गिवन हियर, जो यहाँ दिया हुआ है मैप, यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप देखिए। सो दिस इज़ द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नॉर्थर्न साइड नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, ओके। और नेक्स्ट लिटिल अंडमान, फिर निकोबार। निकोबार की भी कई पार्ट है, इंडियन ओशन में है ये। कार निकोबार, टारासा, कच्छाल, लिटिल निकोबार, नॉन कावेरी, ग्रेट निकोबार, ये इंडियन ओशन में है भारतीय द्वीप। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, ये भारत का मैप है। और इसके इस साइड में जो बंगाल की खाड़ी है, द बे ऑफ बंगाल, वहाँ इंडियन ओशन, हिंद महासागर में ये दो द्वीप है छोटे छोटे, अंडमान और निकोबार। तो भारत के वेस्ट साइड में है अंडमान और निकोबार दो द्वीप। तो इनके मैप को आप देख सकते हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। लेट्स स्टार्ट नाउ, रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब रीड करो, नाउ रीड, अब रीड करो द सेंटेंसेज बिलो। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेज है इनको रीड करना है। री राइट द इनकरेक्ट वंस, और इनकरेक्ट वंस को दोबारा लिखो। आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करेक्ट करने के बाद, गलतियां सही करने के बाद दोबारा लिखना है आपको, ओके। कच्छाल इज एन आइलैंड, ऑफ कोर्स कच्छाल इज एन आइलैंड ऑफ निकोबार, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसमें कच्छाल एक आइलैंड है, ओके। सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ओके। इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है, नो। इट इज़ द पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कच्छाल है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। अंडमान नॉर्थ साइड में है और इंडियन ओशन के साउथर्न पार्ट में, ये इंडियन ओशन है उसमें नॉर्थ में अंडमान है और साउथ में निकोबार आइलैंड्स है। तो देखो, कच्छाल है वो आइलैंड है, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ए अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट नहीं है ये। कच्छाल है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। थर्ड, नॉन कावेरी इज एन आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप। नॉन कावेरी है वो आइलैंड ऑफ ए निकोबार, या ऑफ कोर्स नॉन कावेरी है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। आइलैंड ऑफ ए निकोबार ग्रुप में है, बिल्कुल नॉन कावेरी, दिस इज द राइट वन। थर्ड वन इज राइट। कच्छाल एंड नॉन कावेरी आर मोर देन 100 miles अपार्ट। कच्छाल और नॉन कावेरी है वो मोर देन 100 miles अवे, 100 मील से भी ज़्यादा दूर है कच्छाल और नॉन कावेरी। तो देख लो यहाँ पर, कच्छाल और नॉन कावेरी 100 मील से तो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक में है ये। यहाँ जो पैमाना दिया हुआ है ना, तो उस हिसाब से 100 मील से भी ज़्यादा दूर नहीं है ये। स्केल ऑफ द मैप इज गिवन, मैप का स्केल दिया हुआ है, पैमाना दिया हुआ है। आगे देखो, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो भारत के पश्चिम में है, दिस वन इज़ द राइट। अंडमान और निकोबार है वो भारत के वेस्ट में है, ये वेस्ट साइड है भारत की, ये ईस्ट साइड है।
तो वेस्ट साइड में है, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान, निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड्स। निकोबार है वो, निकोबार आइलैंड्स है वो अंडमान के नॉर्थ में है, नहीं, निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड्स के साउथ में निकोबार है, इसलिए दिस इज़ द रोंग सेंटेंस, ये रोंग है। इसका करेक्ट ये है कि निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड के साउथ में है निकोबार आइलैंड। ओके, सो वी हैव रेड एंड करेक्टेड इट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लेसन, अब हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। ये सुनामी की डेफिनेशन बताई है कि वॉट इज सुनामी, सुनामी क्या होती है। सुनामी इज ए वेरी लार्ज, सुनामी बहुत ही बड़ी एंड पावरफुल वेव और शक्तिशाली लहर होती है। कोज्ड, कोज्ड में से उत्पन्न हुई, कोज की हुई, उत्पन्न हुई बाय द अर्थक्वेक से, भूकंप से, अर्थक्वेक से, भूकंप से, अंडर द सी समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न हुई एक मजबूत बड़ी ताकतवर लहर होती है सुनामी। सुनामी होती है वो लहर होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी और पावरफुल वेव होती है जो भूकंप से उत्पन्न होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004, ऑन 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड, सुनामी है वो थाईलैंड से टकराई, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो कुछ पार्ट्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से वहाँ टकराई, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट है, और जो तमिलनाडु कोस्ट है वहाँ पर टकराई 26 दिसंबर 2004 को। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ कोरीज एंड सर्वाइवल, यहाँ कुछ स्टोरीज दी हुई है, कहानियाँ दी हुई है ऑफ कोरीज एंड सर्वाइवल, साहस और बचे रहने की, साहस और सुनामी से बचने की कुछ कहानियाँ दी हुई है कि किस प्रकार उस टाइम कई लोगों ने साहस दिखाया और किस प्रकार कई लोग हैं वो सर्वाइव कर गए, बच गए। सो वी विल रीड हियर द स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल एंड कोरीज। डिड एनिमल सेंस, क्या जानवरों को सेंस होता है, आभास होता है, ज्ञान होता है, दैट ए सुनामी वॉज कमिंग, कि एक सुनामी आ रही है, क्या ये जानवरों में ज्ञान होता है। समटाइम्स द एनिमल्स कैन हियर द नॉइस, फार अवे नॉइस, दूर की आवाज़ को एनिमल्स सुन सकते हैं, दे कैन सेंस इट, सेंस भी कर सकते हैं कई एनिमल्स। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ वो सजेस्ट करती है कि उन्हें सेंस होता है, उन्हें ज्ञान होता है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड सुनामी, ये पिक्चर दिया हुआ है कि सुनामी के टाइम जो कोस्टल एरियाज है, जो तटीय क्षेत्र है, उनकी क्या हालत हो जाती है, कोस्टल एरियाज ऑफ द सी, समुद्र कोस्टल एरियाज सुनामी आती है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड लेसन, ये फर्स्ट पार्ट है, देखो रीड किए करते हैं अपने इस फर्स्ट पार्ट को। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, दीज स्टोरीज, ये कहानियाँ आर ऑल, ये कहानियाँ पूरी की पूरी है फ्रॉम अंडमान निकोबार आर्किपेलागो, अंडमान निकोबार जो आर्किपेलागो, आर्किपेलागो उसका होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आर्किपेलागो है, उनकी ये कहानियाँ है। तो वी आर गोइंग टू रीड दीज स्टोरीज। इग्नेशियस, इग्नेशियस इज द नेम ऑफ ए पर्सन, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल, इग्नेशियस है वो मैनेजर था, वॉज द मैनेजर, मैनेजर था ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल, कछाल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर एक ये मैनेजर था इग्नेशियस नाम का। हिज वाइफ वोक हिम अप, उसकी पत्नी ने उसे जगाया, वोक हिम अप, वोक हिम अप, वोक अप है वो वेक अप की सेकेंड फॉर्म है, वेक अप, वोक अप, वोक अप, सेकेंड थर्म वोक अप होती है, जगाया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, इग्नेशियस की पत्नी ने वोक हिम अप, उसे जगाया, इग्नेशियस जो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कछाल, कछाल आइलैंड में, और वहाँ पर उसकी पत्नी ने उसे जगाया। एट सिक्स ए एम, छः बजे,
6 बजे उसकी पत्नी ने उसको जगा दिया, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट, क्योंकि उसने महसूस किया, फेल्ट वो फिल की सेकेंड थर्ड फोर में फेल्ट महसूस किया, एन अर्थक्वाक, अर्थक्वाक में से भूकंप है, क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया, इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, टुक ऑफ में से उतारा, टुक ऑफ और टेक ऑफ की सेकेंड फॉर्म में टेक ऑफ करना, नीचे उतारना, नीचे रखना, ऊपर से कोई चीज़ नीचे कर देते हैं उसको टेक ऑफ कहते हैं, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ होती है। तो इग्नेशियस ने केयरफुली टुक ऑफ किया, उतारा हिज टेलीविजन सेट को इट्स टेबल, टेबल से टुक ऑफ किया, टेबल से उतारा, एंड पुट इट डाउन, और इसे नीचे रखा, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, टेबल से उतारा और ग्राउंड पर रख दिया, पुट डाउन कर दिया, सो देट, ताकि इट वुड नॉट फॉल, ताकि वह गिरे नहीं, टीवी सेट गिरे नहीं, और ब्रेक, ताकि टूटे नहीं, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर पूरा परिवार रश आउट हुआ, बाहर दौड़ के आया, ऑफ द हाउस, घर से, फिर पूरा परिवार रश आउट तेज़ी से दौड़ के बाहर निकल के आ गया, ओके, वेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, वेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, और जब ये ट्रेमर, जब ये कंपन स्टॉप हुआ, रुका, वेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब पूरा कंपन रुका, देसा, उन्होंने देखा, देसा सा है वो सी की सेकेंड फॉर्म है, देसा उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, समुद्र को उठते हुए, समुद्र को राइज होते हुए उन्होंने देखा, जब वो कंपन रुका भूकंप का, तो उन्होंने देखा है कि समुद्र है वो ऊंचा आ रहा है, इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, इन द क्योस, क्योस में एंड कन्फ्यूजन में, क्योस होता है भाग दौड़ में, इधर उधर अराजकता की स्थिति में, क्योस की स्थिति में, एंड कन्फ्यूजन की स्थिति में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे, टू में से दो, हिज चिल्ड्रन में से उसके बच्चे, उसके जो दो बच्चे थे, कोट होल्ड, कोट होल्ड उसे पकड़ा, कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, उसके दो बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया, देयर मदर्स फादर है उनकी माँ के पापा का यानी नाना का, एंड मदर्स ब्रदर है और उसके माँ के भाई का यानी नाना और भाई दोनों का हाथ पकड़ लिया उसके दो बच्चों ने, रश्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो दौड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी साइड में, उल्टी डायरेक्शन में दौड़े, जिस साइड से लहरें आ रही थी उसकी उल्टी साइड में वो दौड़े, ही नेवर सा, उसने कभी नहीं देखा, इग्नेशियस ने कभी नहीं देखा, देम अगेन, उनको दोबारा, बच्चों को, उनके जो नाना था उसका ससुर और उसके भाई को उसने दोबारा नहीं देखा, दो बच्चे और दोनों चले गए, हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई, पत्नी भी स्वेप्ट अवे हो गई थी, स्वेप्ट अवे, स्वीप अवे की सेकेंड फॉर्म है, स्वीप अवे से बह गई, उसकी पत्नी भी बह गई और अपने दो बच्चों को जिन्होंने उसके मदर्स फादर का हाथ और मदर्स ब्रदर का हाथ पकड़ रखा था, उन दोनों को, उन चारों को उन्होंने कभी नहीं देखा, द ओनली द थ्री चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल तीन बच्चे, ओनली द थ्री चिल्ड्रन अदर चिल्ड्रन, ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन, केवल तीन अन्य बच्चे, हु केम जो आए थे, केम है वो कम की सेकेंड फॉर्म है, कम केम केम, ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन, केवल तीन अन्य बच्चे, हु केम जो आए विद हिम उसके साथ, वर सेव्ड बच्चे थे, केवल तीन अन्य बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बचे हुए बच गए थे, जबकि उसके खुद के बच्चे, उसकी पत्नी, पत्नी का पिता, पत्नी का भाई, ये पांचों बह गए थे। अब सेकेंड स्टोरी बताई जा रही है, ये तो है इग्नेशियस की कहानी थी, संजीव वॉज ए पुलिस मैन, संजीव एक पुलिस मैन था, संजीव वॉज एन ए, वो संजीव वॉज ए पुलिस मैन, संजीव एक पुलिस वाला था, सर्विंग और सर्विंग कर रहा था, सेवा दे रहा था, इन द कछाल आइलैंड, कछाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से, निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, निकोबार जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, निकोबार जो द्वीप समूह है उसके, निकोबार द्वीप समूह में जो कछाल द्वीप है उसमें सेवा दे रहा था अपनी पुलिस मैन के रूप में,
ही सम हाउ मैनेज्ड, उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने में उसने किसी तरह से प्रबंध कर लिया, खुद को किसी तरह से बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसकी पत्नी और उसके बेबी डॉटर थी, जो बच्ची बेटी थी, उसको उसने किसी तरह से बचा लिया। फ्रॉम द वेव्स, लहरों से, खुद को, पत्नी को और बच्ची को उसने किसी तरह से लहरों से बचा लिया। बट देन, किंतु फिर, ही हेर्ड, उसने सुना द क्राइज फॉर हेल्प, सहायता की चीखें, हेर्ड में से सुनी, हेर्ड है वो हियर की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, ही हेर्ड, उसने सुनी, खुद को बचा लिया, किंतु बाद में उसने सुनी, क्राइज फॉर हेल्प, सहायता की चीखें सुनी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी से, जॉन की पत्नी जोर जोर से चीख रही थी सहायता के लिए, तो उसकी चीखें सुनी। जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का रसोइया था, उस जॉन की पत्नी की चीखें सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वॉटर, संजीव तुरंत ही पानी में कूदा, टू रेस्क्यू हर, उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, किंतु वो दोनों ही बह गए। देखो कितने बहादुरी उसने दिखाई थी, दूसरी खुद के, उसने चाहता तो खुद आराम से दूर रह सकता था, खुद को, पत्नी को और बच्ची को बचा लिया, लेकिन जैसे उसने जॉन की पत्नी की सहायता की चीख सुनी, वो तुरंत कूद गया, जंप्ड इनटू द वॉटर, तुरंत पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, किंतु दुखदायक बात यह है कि दोनों बह गए बेचारे। आगे 13-year-old मेघना, ये थर्ड स्टोरी है, पहली इग्नेशिस की, दूसरी संजीव की एंड तीसरी मेघना। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, 13 साल की जो मेघना थी वो स्वेप्ट अवे हो गई थी, बह गई थी, अलोंग विद हर पेरेंट्स, से अपने माता पिता के साथ बह गई थी, एंड 77 अदर पीपल, और 77 अन्य लोगों के साथ वो बह गई, अपने माता पिता और 77 अन्य लोग थे, 77 अदर पीपल के साथ वो बह गई। ही स्पेंट, उसने बिताया, स्पेंट है वो स्पेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, स्पेंड में से बिताना, खर्च करना। सी स्पेंट, उसने बिताए, 2 days, 2 दिन बिता दिए, फ्लोटिंग, तैरते हुए, ऑटोमेटिक खुद तैरती होती है उसको कहते हैं फ्लोटिंग, तैरते हुए 2 दिन बिता दिए इन द सी, समुद्र में। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, होल्डिंग में से पकड़े हुए, होल्डिंग ऑन ऊपर पकड़े हुए, टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए उसने 2 दिन तैरते हुए समुद्र में बिता दिए। 11 times, 11 बार, सीसार रिलीफ हेलीकॉप्टर से ओवरहेड, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर से, जो रात कार्य जो हेलीकॉप्टर्स थे उसको 11 बार देखा था सिर पर। बट दे डिडंट सी हर, किंतु ने उन्होंने उसको देखा नहीं, 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर वालों उसको देखा नहीं। सी वॉज ब्रॉट टू द श्योर, सी वॉज ब्रॉट, उसे लाया गया, ब्रॉट है वो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट, किंतु उसे लास्ट में लाया गया, बाय द टू द श्योर, तट पर, शोर में होता है तट पर, अंत उसको तट पर लाया गया, बाई ए वेव, एक लहर के द्वारा उसे तट पर लाया गया। एंड सी वॉज फाउंड, और वो पाई गई, सी वॉज ए फाउंड है वो, फाइंड की सेकेंड थर्ड फॉर्म है, फाउंड, सी वॉज फाउंड, सी वॉज ब्रॉट एंड सी वॉज फाउंड, उसे लाया गया समुद्र के तट पर लहर के द्वारा उसे लाया गया। और सी वॉज फाउंड वॉकिंग, और चलती हुई पाया गया, ऑन द सी शोर, समुद्र तट पर, इन ए डेज यानी आधी बेहोश स्थिति में समुद्र के अंदर उसको चलता हुआ पाया गया था। दिस इज द थर्ड स्टोरी ऑफ ए मेघना, ये मेघना की कहानी है, इग्नेशियस, संजीव और ए मेघना। एंड फोर्थ इज द एलमास जावेद वॉज 10 years old, एलमास जावेद था वो 10 साल का था, 10 साल की थी एलमास जावेद, लड़की है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कारमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर,
शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। शी वॉज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट थी, छात्रा थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर वो आइलैंड है इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड से, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक आइलैंड है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर जो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल है उसकी एक स्टूडेंट थी एल्मा जावेद, जो 10 साल की थी। वेयर हर फादर, जहाँ उसके पिता हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पोर्ट ब्लेयर में हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप है, उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर, उसकी माँ राहिलाज होम है, उसकी माँ राहिला का घर है, वो जिन नॉन कावेरी आइलैंड है, उसकी माँ जो राहिला है उसका घर है वो नॉन कावेरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। द फैमिली हैड गोन देयर, परिवार वहाँ गया था टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उसका परिवार है नॉन कावेरी आइलैंड गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, जब सुबह कंपन आई, when में से जब, the tremors कंपन, came early, came में से आई, early में से जल्दी, in the morning, सुबह जल्दी जब कंपन हुई, कंपन आई, the family was sleeping, परिवार सो रहा था। Elma's father saw, Elma's के पापा ने देखा, सामने देखा, द सी वाटर रिसीड, समुद्र के पानी को रिसीड होते हुए, समुद्र के पानी को रिसीड होते हुए, घटते हुए, पीछे जाते हुए उसने देखा, उसने देखा कि समुद्र का पानी रिसीड हो रहा, पीछे जा रहा है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, अंडरस्टूड है वो अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड है वो अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, समझना। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि द वॉटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वह समझ गया द वॉटर वुड कम कि पानी आएगा रसिंग तेजी से, बैक वापस दौड़ता हुआ तेज पानी आएगा, विद ग्रेट फोर्स से बड़ी ताकत के साथ पानी वापस आएगा, ये उस वह समझ गया। उसने देखा कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, इसका मतलब पानी बड़ी ताकत के साथ वापस आएगा। ही वोक एवरी वन अप, उसने प्रत्येक व्यक्ति को जगा दिया, वोक अप में से जगाया, वेक अप की सेकंड फॉर्म वोक अप है। ही वोक एवरीवन अप, उसने हर व्यक्ति को जगा दिया, एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू रश देम, उनको दौड़ाने की, टू ए सेफर प्लेस, सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर उसको दौड़ाने की उसने प्रयास किया। एज द रेन, जैसे ही वे दौड़े, एज द रेन, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, जैसे ही वे दौड़े हर ग्रैंडफादर, उसका दादा, दौड़ते उसका दादा वॉज हिट, टकराया, ऑन द हेड, सिर पर, बाय समथिंग, किसी चीज़ से। जैसे ही वे दौड़े सुरक्षित स्थान की ओर, तो जो एल्मास का जो दादा था, एल्मास का जो दादा था वो टकराया, उसके पापा को पहले ही पता चल गया समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, बड़ी ताकत के साथ आया, तो उसने सभी को जगाया और सेफ रस्तेन की ओर दौड़ने की कोशिश की। तो जैसे ही दौड़े तो उसका दादा था वो किसी चीज़ से सिर पर टकरा गया, सिर पर जाकर लगी। ही फेल डाउन, वह गिर गया, फेल डाउन है वो फॉल डाउन की सेकेंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन। तो ही फेल डाउन, वह गिर गया, दादा गिर गया। हर फादर रस्ड, उसके पापा दौड़े, एल्मास के पापा रस्ड में तेजी से दौड़े, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता के लिए, दादा की सहायता ने दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, फिर एक पहली विशाल लहर आई, फर्स्ट जायंट वेव का मतलब पहली विशाल लहर आई। देट स्वेप्ट, जो बहा ले गई, स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, उन दोनों को बहा कर ले गई, पहली विशाल लहर आई जो दोनों को ही बहा कर ले गई। एल्मास मदर एंड आंट से, एल्मास की माँ और उसकी चाचियाँ, एल्मास की माँ और उसकी जो आंट्स थी, स्टूड खड़ी थी, स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, स्टैंड। एल्मास की माँ और जो आंट्स थी वो खड़ी थी, क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, चिपके हुए, एकदम क्लिंगिंग, चिपके हुए खड़ी थी, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ की जो लीव्स पत्तियाँ हैं उनसे चिपकी खड़ी रही, वो पेड़ों की पत्तियों से चिपक गई। कॉलिंग आउट टू हर, उसको पुकारते हुए, एल्मास को पुकारते हुए, एल्मास को बुलाते हुए कोकोनट पेड़ पर चिपक खड़ी हो गई।
ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने क्या किया, अपरूटेड उखाड़ दिया ट्री द ट्री पेड़ को, एक लहर उस पेड़ को उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे भी बह गई, वो स्वयं से बह गई, एलमास की माँ और चाचियाँ वो भी बह गई। एलमास सा ए लॉग ऑफ वुड, एलमास ने देखा ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लोग, लकड़ी का एक लठ फ्लोटिंग तैरता हुआ। ही क्लाइम्ड ऑन टू इट, सी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई ऑन टू इट, इस पर एलमास ने लठ देखा और उस पर वो चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। वेन सी वोक अप, जब वह जागी तो सी वॉज इन, जब वो जागी तो सी वॉज इन हॉस्पिटल, सी वॉज इन हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में थी, इन कामोर्टा, कामोर्टा में हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर, वहाँ से सी वॉज ब्रोट, उसे लाया गया टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, छोटी सी लड़की डिड नॉट, डज नॉट वॉन्ट, नहीं चाहती है टू टॉक अबाउट, बात करना, टू टॉक मुझे बात करना, अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, इस घटना के बारे में छोटी सी लड़की बिल्कुल बोलना नहीं चाहती है किसी से भी। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वह अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है, वो अभी भी डरी हुई है, ट्रॉमेटाइज्ड है, वो अभी भी एकदम डिप्रेस्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है, तो अभी वो उस घटना के बारे में बात नहीं करती। सो दीज आर द फोर स्टोरीज ऑफ द निकोबार आइलैंड्स, कछाल से और पोर्ट ब्लेयर से, ये चार कहानी है। पहली इग्नेशियस की है, इग्नेशियस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है, और उसकी पत्नी उसे सुबह जल्दी जगा देती है क्योंकि कंपन भूकंप आता है। और उसके बाद में इग्नेशियस के बाद में हमने कहानी पढ़ी संजीव की, जो एक पुलिस मैन है। और उसके बाद में एलमास जावेद की हमने कहानी पढ़ी, और बीच में एक और पढ़ी हमने एलमास जावेद से पहले 13 और मेघना भी बची गई थी। तो ये चार कहानियाँ हमने पढ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूँ कि तुम ये समझोगे। अब ये कंपेरिजन चेक है जो आपको लिखना है, करने भी है, ट्रू फॉल्स है ये। कंपेरिजन चेक में समझ की चेक कि आपको ये लेसन समझ में आया नहीं अभी तक। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये कहो कि क्या ये नीचे लिखे गए स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। देखो, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को खो दिया, दिस इज राइट, बिल्कुल उसकी पत्नी को खो दिया। टू चिल्ड्रन ने, दो बच्चों को भी खो दिया था, क्योंकि दो बच्चों ने, एक ने उसकी मम्मी का पिता का हाथ पकड़ रहा था, दूसरा उसके मम्मी के भाई का हाथ पकड़ रहा था, चारों ही बह गए थे। इग्नेस ने पत्नी को खोया, दो बच्चों को खोया, इज फादर लो, फादर इन लो ससुर को खोया, तो इग्नेशियस का ससुर ही था वो, एंड हिज ब्रदर इन लो, और उसके साले को इन द सुनामी, सुनामी में खोया, बिल्कुल दिस इज द राइट सेंटेंस। संजीव मेड इट टू ए सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव ने मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद संजीव ने ये सेफ्टी किया। संजीव एक पुलिस वाला था, उसकी कहानी क्या थी, संजीव पुलिस वाला था, वो कछाल आइलैंड में सर्विस कर रहा था, और किसी तरह से खुद को बचा लिया, पत्नी को बचा लिया, बेबी डॉटर को बचा लिया, लेकिन जब उसने जॉन की पत्नी की चीखने की आवाज़ सुनी, चीखने की और सहायता की आवाज़ सुनी, तो तुरंत ही जंप कर गया और बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों ही बह गए। तो ये इसमें है कि संजीव ने बाद में है सुनामी के बाद सेफ्टी का कोई प्रयास नहीं किया उसने सेफ्टी, मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद उसने सेफ्टी की नहीं, सुनामी में ही वो डूब गया था जोन की पत्नी के साथ। थर्ड है मेघना वॉज सेव्ड बाई ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, नो मेघना वॉज नॉट सेव्ड बाई ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना सा द 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड, उसने 11 टाइम हेलीकॉप्टर, रिलीफ हेलीकॉप्टर को ओवर हेड देखा, लेकिन दे डिडेंट सा हर, उन्होंने उसको देखा ही नहीं। एंड सी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई वेव्स, लहरों के द्वारा उसको तट पर लाया गया, एंड सी वॉज हॉस्पिटलाइज देयर, वहाँ पर हॉस्पिटलाइज उसको आगे किया गया था। आगे देखो, एलमास फादर रियलाइज्ड दैट द सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड,
एलमास के पापा ने रियलाइज़ किया कि सुनामी है, वो आइलैंड से टकराने जा रही है। बिल्कुल, एलमास के पापा जागा, तब उसने देखा कि द सी वाटर वॉज रिसीडिंग, समुद्र का पानी वो रिसीड हो रहा है। एंड ही अंडरस्टूड दैट इट विल कम विद मोर पावर, विद ग्रेट फोर्स, कि वह और ज़्यादा ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा। ये उसने रियलाइज़ किया, तो उसने सभी को जगा दिया, उसने जगाया और सेफर स्थान की ओर दौड़ने लगे। तो दौड़ने लगे, लेकिन वो बचे नहीं कोई भी। एलमास को एक लठ मिल गया था, तो एलमास लठ मिलने से वो तैरती रही, मूर्छित हो गई और उस वजह से वो बच गई थी। लेकिन जब वो सेफ्टी की ओर दौड़ रहे थे, तो एलमास के पापा थे उसके दादा, यानी एलमास के दादा थे, वो किसी चीज़ से टकराए, तो उसको बचाने के लिए दौड़े, तो पहली लहर में ही वो बह गए। और जब दूसरी लहर आई, तो उसकी मम्मी और चाचियों को भी बहा दिया। सो दिस इज़ द सुनामी वॉज, ये राइट सेंटेंस है, एलमास पापा ने पहले रियलाइज़ किया था सुनामी वो आइलैंड से टकराई। हर मदर एंड आंट्स वर्स वॉश्ड अवे, उसकी माँ और चाचियाँ बह गई थी विद ट्री पेड़ के साथ ही, दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू यू, जो पेड़ को, जिस पेड़ को बनाना ली, कोकोनट ट्री को जिसने पकड़ रखा था, तो वो अपरूटेड हो गया था, वो उखड़ गया था और बह गई थी वो दो तीनों। सो वी हैव रेड अबाउट इट, द फोर स्टोरीज ऑफ ए निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ ए दिस लेसन, सेकेंड पार्ट देखो, दिस इज द सेकेंड पार्ट इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये थाईलैंड की कहानी देखो। इसमें है टीली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जो कौन है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल, जो योग्य थी, सक्षम हुई, टू सेव मैनी लाइव, बहुत से व्यक्तियों का जीवन बचाने में। टीली स्मिथ जो ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, जिसने बहुत सी लड़कियों का जीवन बचाया। वेन द सुनामी स्ट्रक पुखेट बीच, जब सुनामी पुखेट बीच से टकराई, पुखेट जो बीच था, बीच होता है जहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं समुद्र के किनारे पर, बीच है ना, बीच, तो जब वो सुनामी पुखेट बीच से टकराई, तब उसने बहुत से लोगों का जीवन बचाया था इन थाईलैंड में जो पुखेट बीच है वहाँ पर सुनामी टकराई, तो उसने बहुत से लोगों का जीवन बचा लिया था। दो, सी हैज़ वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि सी हैज़ वन, वह जीत चुकी है ए नंबर ऑफ अवार्ड से, कई अवार्ड से वो जीत चुकी है। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर टू बी इंटरव्यूड, हर पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स हैज़ नॉट अलाउड, अनुमति नहीं दी है, उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, परमिट नहीं दिया, अलाउ नहीं किया दियर डॉटर, अपनी बेटी को टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू किए जाने के लिए ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर इंटरव्यू किए जाने के लिए उसके पेरेंट्स ने अनुमति नहीं दी। मेड इन टू ए हीरोइन, और हीरोइन बनाने में उन्होंने अनुमति नहीं दी। वाई डू यू थिंक, तुम्हें क्यों लगता है, दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ये डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, उसके माता पिता ने क्यों इंटरव्यू नहीं करवाने की अनुमति दी उन्होंने, पता नहीं उनकी कोई मेंटलिटी होगी, मानस विचार होंगे कोई। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पर ये थाईलैंड की कहानी है, टीली स्मिथ की कहानी है, वी आर गोइंग टू रीड इट। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ का परिवार था वो फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से स्मिथ का परिवार था। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे एट ए बीच रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट पर, बीच जो रिजॉर्ट था, बीच का जो होटल था, वहाँ पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे इन साउथर्न थाईलैंड, साउथर्न थाईलैंड में स्मिथ का जो परिवार था वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था, और वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच पर, बीच रिजॉर्ट पर, इन साउथर्न थाईलैंड में, दक्षिणी थाईलैंड, साउथर्न थाईलैंड में, दक्षिणी थाईलैंड में जो बीच रिजॉर्ट था वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था स्मिथ का परिवार। टीली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टीली स्मिथ थी वो 10 साल की स्कूल गर्ल थी, 10 साल की स्कूल गर्ल थी, वॉज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 10 साल की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके जो पेरेंट्स थे, टीली स्मिथ के जो पेरेंट्स थे, पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004,
ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स भयंकर भयानक, डेडली में से भयानक है, सुनामी वेव्स सुनामी लहरें हैं, डेडली सुनामी वेव्स भयानक सुनामी लहरें हैं, वर ऑलरेडी पहले से ही थी ऑन देयर वे अपने रास्ते पर। किस तारीख किस दिन बात थी, 26 दिसंबर 2004 का दिन था, भयंकर जो भयभीत कराने वाली भयानक सुनामी जो लहरें थी वो अपने रास्ते पर थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड, और जो लहरें थी दे में से लहरें या दे लहरों के लिए जो है, दे हैड बिन ट्रिगर्ड, वो लहरें ट्रिगर्ड हुई थी, कॉज्ड हुई थी, उत्पन्न हुई थी, किसने ट्रिगर्ड हो रही थी, बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, एक विशाल भूकंप से, वो लहरें विशाल भूकंप से उत्पन्न हुई थी। फ्रॉम द नॉर्दर्न सुमात्रा, उत्तरी सुमात्रा से, उत्तरी सुमात्रा पर जो विशाल भूकंप हुआ था उससे ही वो लहरें उत्पन्न हुई थी। अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह जल्दी, उस दिन सुबह जल्दी, दैट मॉर्निंग उसी उस सुबह जल्दी, उत्तरी सुमात्रा से, सुमात्रा ये द्वीप का नाम है, उत्तरी सुमात्रा से एक मैसिव अर्थक्वेक से, एक विशाल अर्थक्वेक से, विशाल भूकंप से उत्पन्न हुई जो वो लहरें उत्पन्न हुई थी, और वो लहरें अपने रास्ते पर थी। इस दिन 26 दिसंबर 2004 को एक भयानक लहरें हैं वो आने वाली थी, और वो लहरें एक विशाल भूकंप से उत्पन्न हो रही थी जो उत्तरी सुमात्रा से, विशाल भूकंप आया वहाँ से उत्पन्न हो रही थी उस वक्त जल्दी। द वॉटर वॉज स्वेलिंग, पानी था वो स्वेलिंग हो रहा था, स्वेल का अर्थ है निगलना, पानी है वो समुद्र में पीछे जा रहा था, रिसीडी हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था पानी है वो पीछे जा रहा था, इसमें स्वेलिंग हो रहा था, अंदर जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था, जो तट था जहाँ घूम लोग घूम फिर रहे थे, वो बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा और छोटा होता जा रहा था, पानी है वो एकदम बीच है वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडन्ट नो, मैं नहीं जानता था वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता था ये हो क्या रहा है। बट द टिली स्मिथ, पेनी स्मिथ याद कर रहा है कि समुद्र का पानी स्वेलिंग हो रहा था, अंदर आ रहा था, जो बीच था वो छोटे से छोटा होता जा रहा था। बट किंतु उसको पता नहीं था भाई ये क्या हो रहा है, इतना ऐसे पानी क्यों स्वेलिंग हो रहा है, क्यों बीच छोटा हो रहा है, पीछे जा रहा है पानी। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, पेनी स्मिथ उसके पापा नहीं समझे, लेकिन जो टिली स्मिथ है उसकी बेटी है उसने सेंस किया, उसे ज्ञात हुआ, उसको सेंस नहीं, उसको ऐसे ज्ञान हुआ दैट कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जोग्राफी लेसन, हर माइंड उसका माइंड केप्ट केप्ट उसे रहा, कीप की सेकेंड फॉर्म है केप्ट, उसका दिमाग है वो रहा गोइंग में पीछे जाता रहा, उसका दिमाग बार बार पीछे जा रहा था। टू ए जोग्राफी लेसन, जोग्राफी लेसन पर, जो जोग्राफी लेसन था भूगोल का जो पाठ था उस पाठ पर उसका दिमाग बार बार जा रहा था। सी हैड टेकन, जो लेसन उसने लिया था इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जस्ट टू वीक्स बिफोर, ठीक 2 सप्ताह पहले, 2 वीक्स बिफोर में से 2 सप्ताह पहले जो इंग्लैंड में उसने लेसन लिया था उस जोग्राफी लेसन पर उसका दिमाग बार बार जा रहा था। बिफोर शी फ्लू, जो उसने लिया था उड़ने से पहले, फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड उड़ कर आने से पहले, यानी वो प्लेन से उड़ के आई थी तो थाईलैंड आने से पहले जो लेसन भूगोल का लेसन उसने लिया था उस लेसन पर उसका दिमाग बार बार जा रहा था। विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ वो थाईलैंड आई थी उड़कर, उससे पहले 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में उसने ज्योग्राफी जो लेसन लिया था उस पर उसका दिमाग बार बार जा रहा था। तो उसे पता चल रहा था कि भी ज्योग्राफी लेसन से भी कुछ न कुछ गड़बड़े हो रहा है। टिली सा द सी, टिली ने देखा, टिली सा टिली ने देखा, टिली स्मिथ ने देखा द सी स्लोली राइज, उसने देखा सा है वो सी की सेकेंड फॉर्म है, टिली ने देखा द सी स्लोली राइज कि समुद्र है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और समुद्र है धीरे धीरे फॉर्म करना शुरू कर रहा है, फॉर्म में से झाग बनना शुरू हो गया है,
समुद्र में बबल और बबलिंग शुरू हो गई है, फॉरम वेरपुल से, और समुद्र में भंवर भंवर जानते हो ना, भंबुड़िए ऐसे भंवर बनने शुरू हो रहे हैं। फॉरम में से बनना वेरपुल से, वेरपुल बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं, फॉर्म बनने शुरू हो रहे हैं, समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है। सी रिमेंबर्ड, उसने याद किया कि सी हैड सीन दिस, कि उसने ये देखा है, उसने इस प्रकार ये फॉर्म बनते हुए, इस प्रकार वेरपुल्स बबल बनते हुए उसने देखा है। सी रिमेंबर्ड, उसने याद किया कि सी हैड सीन, उसने देखा है दिस, यह इन क्लास, क्लास में ये देखा है, इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी, सुनामी के एक वीडियो में ये देखा है, दैट हैड हिट, जो सुनामी टकराई थी, द हेवियन आइलैंड्स इन 1946 से, हेवियन आइलैंड्स इन 1946 से, 1946 में जो हेवियन आइलैंड्स टकराई थी सुनामी, उस सुनामी का उसने वीडियो क्लास में देखा है। ये उसने याद किया कि इस प्रकार की सुनामी का वीडियो मैंने हेवियन आइलैंड का जो 1946 जो सुनामी टकराई थी उसका वीडियो मैंने क्लास में देखा है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी, ज्योग्राफी की जो टीचर थी, उसने हैड शोवन दिखाया था, शोवन और शो की थर्ड फॉर्म है। हर ज्योग्राफी टीचर, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको दिखाया था, हर क्लास को दिखाया था द वीडियो, वीडियो ये वीडियो उसकी ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था कि सुनामीज कैन बी कॉज्ड, कि सुनामी है वो उत्पन्न हो सकती है बाय द अर्थक्वेक से, भूकंप से, वोल्केनोज ज्वालामुखियों से, एंड लैंड स्लाइड से, और लैंड स्लाइड से, लैंड स्लाइड से भूमि के खिसकने से, भूस्खल से, ज्वालामुखियों से, और भूकंप से है वो सुनामी उत्पन्न हो सकती है, ये उसने बताया। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली चीखने लगी, टिली स्टार्टेड, टिली शुरू हो गई टू स्क्रीम, चीखना, एट हर फैमिली, अपने परिवार पर, टीली है वो परिवार पर चीखने लग गई, टू गेट ऑफ द बीच, कि बीच को खाली कर दो, गेट ऑफ द बीच, बीच को छोड़ के भाग जाओ, सी स्टार्टेड टू स्क्रीम, वो परिवार पर चीखने लगी कि चलो भागो भागो, कि उसने देख लिया वीडियो से जो बात देखी थी वो याद आ गई उसको, वो समुद्र को देख रही थी। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, सी टॉक्ड, उसने बात की अबाउट एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप की बात की उसने, भूकंप के बारे में, अंडर द सी, समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे भूकंप आ गया है, इससे सुनामी बन रही है, ये उसने कहा कि मुझे पता है, मैंने वीडियो देखा, हमारी ज्योग्राफी टीचर ने बताया है कि समुद्र में भूकंप से इस प्रकार की सुनामी आती है, तो उसने देखा कि समुद्र में भूकंप है, भूकंप बारे बताया। सी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, सी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, वो बार उसकी गोट मोर एंड मोर, वो अधिक से अधिक हो रही थी हिस्ट्रिकल, उन्मादी, उन्मादी यानी वो बार बार इसे शोर कर रही थी, बार बार परेशान हो रही थी। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, पेनी, उसकी माँ पेनी थी, उसने कहा वो ज़्यादा ज़्यादा हिस्ट्रिकल हो रही थी, उन्मादी हो रही थी। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी वॉट ए सुनामी वॉज, कि किस प्रकार की सुनामी होती है। उसकी माँ ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि किस प्रकार की सुनामी होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, किंतु देखते हुए माई डॉटर, मेरी बेटी को, सो फ्राइटेंड, इतनी डरी हुई देखते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट है वो थिंक की सेकेंड फॉर्म है, मेरी बेटी को डरते हुए देखकर मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग, कि कुछ ना कुछ सीरियस है वो होने जा रहा है, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ सीरियस होने जा रहा है, ये पेनी ने सोचा। टीलीज पेरेंट्स टू खर, टीली के जो पेरेंट्स थे, टीली के जो माता पिता थे, टू खर उसको ले गए, टुक है वो टेक की सेकेंड फॉर्म है, टुक टेक, टुक टेकन, टेक टुक टेकन, टीली के जो पेरेंट्स थे, टिली के जो माता पिता थे, टुकर उसे ले गए, हर सिस्टर और उसकी सिस्टर को ले गए, अवे दूर फ्रॉम द बीच, बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में ले गए, एट होटल, होटल का जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर ले गए, ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट से, कई अन्य टूरिस्ट से, ऑल्सो लेफ्ट द बीच, बीच को छोड़ दिया, कई अन्य टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया, विद देम उनके साथ, देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, फिर तो इट वॉज ये था
इजिप्ट, मानो कि द एंटायर सी, पूरा समुद्र हेड कम आउट, बाहर आ गया हो, आफ्टर दे मूवी के पीछे, ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चीख रही थी, रन रन, मैं चीख रही थी भागो भागो। फैमिली टुक रिफ्यूज, परिवार ने शरण ली, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरे तल पर, होटल का जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर हमने शरण ली, रिफ्यूज ली, टुक में से ली, रिफ्यूज में शरण, शरण ली, थर्ड फ्लोर होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड, बिल्डिंग खड़ी रही, द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स, तीन सुनामी लहरों की जो सरज थी, उन सरज के सामने बिल्डिंग है वो खड़ी रही, गिरी नहीं, है ना। तीन सुनामी लहरें आई थी, उनकी जो सरज थी, उनका जो झोंका था लहरों का, उमड़ाव था, उनके सामने बिल्डिंग खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर ठहरे रहे होते, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर ठहरे रहे होते, स्टे में ठहरना, they would not have been alive, तो वो जीवित नहीं रहते, यदि वो बीच पर रहते तो वो जीवित नहीं रहते, अलाइव में से जीवित रहना। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ्स बाद अन्य टूरिस्ट से मिले, स्मिथ का परिवार, लेटर बाद मेट मिले, अदर टूरिस्ट से, अन्य टूरिस्ट से स्मिथ का परिवार मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने पूरा परिवार खो दिया, उनसे मिले। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद, दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिस ज्योग्राफी लेसन ने उनको पहले ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक, टिली वापस गई टू हर स्कूल, अपनी स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस अपनी स्कूल गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपनी क्लासमेट्स को बताया, हर टेरिफाइंग टेल, अपने भयानक ड्रावनी टेरिफाइंग कहानी को उसने क्लासमेट्स को बताया। अब ये कंफ्रेशन चेक करते हैं अपने कि आपके समझ में आया या नहीं आया आपकी समझ। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आंसर दो, नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर दो, इन ए फ्रेज और सेंटेंस, एक फ्रेज में या सेंटेंस में, एक दो शब्दों में या पूरे सेंटेंस उतरना है। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टिली का परिवार वो थाईलैंड क्रिसमस मनाने के लिए आया था, वे साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थे लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आए थे। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड मदर सा, कौन से वार्निंग साइंस टिली और उसके मदर ने देखा, टिली ने देखा कि समुद्र सी वॉज राइजिंग एंड देयर वॉज द साइक्लोन इन द सी, समुद्र में साइक्लोन चक्रवात आ रहा है, तो ये उसने देखा, और ये देखते उसे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, सुनामी आने वाली, देयर वॉज द अर्थक्वेक अंडर द सी, टिली ने देखा कि समुद्र में अर्थक्वेक का भूकंप है जो सुनामी का प्रतीक है। Do you think, क्या तुम्हें लगता है, टिली's mother was alarmed by them, क्या तुम्हें ज्ञात है, क्या तुम्हें लगता है कि टिली के माँ थी वो अलार्म्ड हुई थी, भयभीत हुई थी, by them, उनसे। Of course टिली's mother was alarmed by the tsunamis, by the giant waves, विशाल लहरों से टिली की माँ है वो भयभीत हुई थी। Where had टिली seen the sea behaving in the same strange fashion, टिली ने कहाँ देखा, वेयर आर टिली स्मिथ सीन, टिली स्मिथ ने कहाँ देखा द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज, कि समुद्र है बिहेव कर रहा है इसी प्रकार की फैशन में, इसी प्रकार की स्ट्रेंज फैशन में। सी सा इन ए वीडियो इन हर क्लास, अपनी क्लास उसने वीडियो में देखा था, विच हर टीचर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन, जो उसकी ज्योग्राफी टीचर ने शोन किया था, दिखाया था, एन अर्थक्वेक इन द 19 कहीं टकराया था, उसका वीडियो उसकी क्लास टीचर ने उसको क्लास में दिखाया था, तो इस प्रकार का समुद्र उसी टाइम बिहेव कर रहा था, वीडियो में उसने देखा था। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम सुनामी, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली, स्मिथ का परिवार एंड द अदर्स और अन्य
ऑन द बीच, बीच पर, स्मिथ का परिवार और अन्य बीच पर गए, कहाँ गए, टू एस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम द सुनामी, सुनामी से बचने के लिए स्मिथ का परिवार और अन्य कहाँ गए थे, दे वेंट टू ए होटल एंड स्टेड ऑन द थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर पर ठहरे रहे थे, दे लेफ्ट द बीच क्विकली, उन्होंने तुरंत ही बीच को छोड़ दिया था। हाउ डू यू थिंक, तुम्हें कैसे लगता है हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने महसूस किया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कि ज्योग्राफी टीचर ने महसूस किया, वेन सी हर्ड, वेन ही हर्ड, जब उसने सुना कि सुना वोट अबाउट टिली हैड डन इन द पुकेट, कि टिली ने पुकेट जो किया उसके बारे में जो उसकी टीचर, उसके टीचर ने सुना तो उसने कैसे महसूस किया, ही फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ द टिली, उसने निश्चित रूप से गर्व महसूस किया, टीली के टीचर ने उनको वीडियो दिखाया और उसी वीडियो ने टीली की हेल्प की थी समुद्र की लहरों से बचने की, तो उसके टीचर ने कैसे महसूस किया, टीचर रियली फेल्ट प्राउड, जब टीचर कोई लेसन पढ़ाता है और उसका यदि धरातल पर बच्चे अनुकरण करते हैं और किसी की जान बचाते हैं तो निश्चित रूप से टीचर को प्राउड फील हुआ। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन विच वी रीड लेटर, जो हम बाद में पढ़ेंगे। Now the third part of the second lesson. Look carefully at the picture of the boy and his dog. ध्यान से देखो पिक्चर पर, look carefully में से carefully देखो, सावधानी पूर्वक देखो, at the picture of the boy, boy के चित्र पर, इस लड़के के चित्र को देखो, and his dog और उस कुत्ते के चित्र को देखो, try to describe the things that you see, और describe करने की कोशिश करो द थिंग्स दैट यू सी, जो चीज़ें तुम देख रहे हो उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज, केवल वर्ड्स और फ्रेजेज का यूज करते हुए, वी सी द बॉय एंड द डॉग वॉज ट्रैप्ड इन द सुनामी, हम देख रहे हैं कि लड़का और कुत्ता दोनों सुनामी में ट्रैप्ड हैं, एंड दे आर फ्लोटिंग ऑन ए वुडन प्लांक, एक लकड़ी के प्लांक पर वो तैर रहे हैं, एंड दे वर ट्रैप्ड इन द सुनामी, सुनामी में ट्रैप किए हुए हैं दोनों ही, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, या तो टीचर या स्टूडेंट्स में से एक, आइदर द टीचर या तो टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स में से एक कैन राइट डाउन, लिख सकता है वर्ड्स को और फ्रेजेज को ब्लैक बोर्ड पर, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, इस प्रकार तुम शुरू कर सकते हो, काम एंड ब्लू सी रूइंड हार्ट्स, तो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस बाय राइटिंग, देयर इज द काम सी एंड द वुडन प्लांक्स वर फ्लोटिंग ऑन द सी, ए बॉय एंड द डॉग वर सिटिंग ऑन इट एंड दे वर ट्रैप्ड इन द सी एंड वी सी द रूइंड हार्ट्स एंड देयर वर द क्योस एटमोसफियर, क्योस का एटमोसफियर दिख रहा है, ओके तो ऐसा आप डिस्क्राइब कर सकते हो चित्र को देख के, बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द सी, बिफोर से पहले, जायंट वेव में से विशाल लहरें स्लैम्ड हुई, टकराई इनटू द कोस्ट, तट पर, इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका का जो कोस्ट है, तट है, वहाँ पर विशाल लहरें जायंट वेव्स टकराई, उससे पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल से, जंगली और घरेलू जानवर सीम्ड टू नो, जानते हुए प्रतीत हुए, वोट वॉज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है, अबाउट टू हैपन से घटित होना, कि क्या घटित होने वाला है, ये जानते हुए प्रतीत हुए थे, कि श्रीलंका और भारत के तट पर विशाल लहरें टकराई, उससे पहले जो वाइल्ड एनिमल्स थे या डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको ऐसा लग गया था कि अब क्या होने वाला है, दे फ्लेड, वे भाग गए, फ्लेड है वो फ्ली की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, फ्ली में से भागना, टू द सेफ्टी की तरफ, सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए थे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स, अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेज अकाउंट, जो आई विटनेसेस थे जिन्होंने आंखों से देखा, उनके विवरण के अनुसार, अकाउंट से विवरण, उन्होंने जो विवरण दिया, उन्होंने जो बताया था उनके अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, एलिफेंट्स थे वो चीखे थे,
एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड से, और एलिफेंट्स दौड़े थे हायर ग्राउंड्स के लिए, ऊंचे जो ग्राउंड से ऊंचे ऊंचे की तरफ जा रहे थे, दौड़ रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर से, और कुत्तों ने रिफ्यूज कर दिया था आउटडोर जाने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए कुत्तों ने मना कर दिया था। फ्लेमिंगोज अबांडनड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगोज थे, जो राज हंस थे, फ्लेमिंगोज पक्षी थे, जो राज हंस थे, उन्होंने अबांडन कर दिया था, छोड़ दिया था, त्याग दिया था, बंडन में त्यागना। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने निम्न स्थित जो ब्रीडिंग एरियाज है, प्रजनन क्षेत्र है, वो लो लाइंग प्रजनन क्षेत्रों को छोड़ दिया था। जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर से, और जो जू एनिमल्स थे, चिड़ियाघर के जो जानवर थे, वो अपनी शरण स्थलों में चले गए थे। एंड कुड नॉट बी इंटिस्ड, और इंटिस नहीं हुए थे, आतुर नहीं हुए थे टू कम बैक आउट, बाहर आने के लिए, बाहर आने के लिए बिल्कुल भी इंटिस्ड नहीं हुए थे, बिल्कुल भी प्रलोभित नहीं हुए थे। यानी जानवरों को पहले ही पता चल गया था, ये आई विटनेस बता रहे थे, हाथी है वो हायर ग्राउंड है उनकी तरफ दौड़ने लगे थे, डॉग से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था, फ्लेमिंगोज थे जो उनके निम्न नीचे जो प्रजनन स्थल थे उनको छोड़ दिया था फ्लेमिंगोज ने, जो चिड़ियाघर के जानवर हैं वो अपने सेफ सेफ जो इंडोर है, अंदर है, सुरक्षित शेल्टर्स है, वहाँ चले गए, वापस बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि एनिमल्स पोजेज कि जानवर रखते हैं। मैनी पीपल बिलीव से विश्वास करना कि एनिमल्स पोजेज जानवर रखते हैं। ए सिक्स्थ सेंस, छठी सेंस, छठी इंद्री होती है, जानवरों में छठी सेंस होती है, जैसे मनुष्य में पांच ही सेंसेज होती है, पांच ही इंद्रियाँ होती है, लेकिन जानवर में छठी सेंस होती है। एंड नो, और जानवर जानते हैं व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जब पृथ्वी है वो कांपने जाती है, जब पृथ्वी कांप रही होती है या कांपने जा रही है या भूकंप आने जा रहा है, तो जानवर जान लेता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, और कुछ एक्सपर्ट तो बिलीव करते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, कि एनिमल्स की जो अत्यधिक एक्यूट हियरिंग है, एकदम पूर्ण सुनने की जो ताकत है, जानवरों की जो एक्यूट हियरिंग है, जानवरों जो कुशल सुनने की जो पावर है, हेल्प्स देम, उनको सहायता करती है टू हियर, सुनने के लिए, एंड फील्स, महसूस करने के लिए, द अर्थ वाइब्रेशन, पृथ्वी के कंपन को, पृथ्वी के कंपन को महसूस करने और सुनने में उनकी सहायता करती है। दे कैन सेंस, और जानवर सेंस कर सकते हैं, एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, पहुँच रही आपदा को वो सेंस कर सकते हैं। लॉन्ग बिफोर एनिमल्स रियलाइज, बहुत पहले ही एनिमल्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, इससे बहुत पहले ही जो जानवर, ये मनुष्य ये जानते हैं क्या होने जा रहा है, ये रियलाइज करने से पहले ह्यूमंस रियलाइज करते हैं क्या होने जा रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होने जा रहा है, इससे पहले ही जानवर है वो पहुंच रहे डिजास्टर, आ रहे आपदा को सेंस कर लेते हैं। ये बताया जाता है जानवरों के बारे में कि जानवरों में छठी इंद्री होती है, और कई लोग ये कहते हैं कि भी जानवरों में सुनने की जो एक्यूट हियरिंग है वो उनको सुनने और फील करने में सहायता करती है, अर्थ की जो वाइब्रेशन उसको सुनने और फील करने में सहायता करती है। वो सेंस भी कर सकते हैं, आ रही आपदा को सेंस कर सकते हैं। बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, कि मनुष्य रियलाइज करे कि क्या होने जा रहा है, उससे पहले ही वो, पहले ही उनको सेंस हो जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, कि जानवरों में छठी इंद्री होती है या नहीं होती है, जानवरों में छठी सेंस होती है या नहीं होती है, इस बात के लिए हम श्योर नहीं हो सकते, हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि जानवरों में छठी सेंस होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज, किंतु तथ्य ये है कि जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, कि जायंट वेव्स जो विशाल लहरें जो रोल्ड हुई थी, जो बही थी, लुढ़की थी थ्रू द इंडियन ओशन, भारतीय महासागर से, हिंद महासागर से, किल्ड मोर देन 150 पीपल इन द डोजन कंट्रीज, 150 लेख पीपल को मार दिया था, 150,000 पीपल यानी 1.5 लाख लोगों को मार दिया था। कहने का मतलब उसका है कि भाई जानवरों के पास छठी इंद्री है या नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि इस जायंट वेव्स ने,
लगभग जो भारतीय महाद्वीप से निकली थी, हिंद महासागर से, भारतीय जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहाँ से जो लहरें निकली थी उन्होंने 1.5 लाख लोगों को कील कर दिया था, मार दिया था इन्हें दर्जन देशों में, एक दर्जन देशों में, लगभग 12 देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया था उस विशाल लहरों ने। बट नोट मैनी एनिमल्स है, किंतु ज़्यादा जानवरों को नहीं मारा है। नोट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, किंतु ज़्यादा जानवर मरे हुए प्रतीत नहीं हुए हैं, जानवर नहीं रह रहे हैं, जबकि मनुष्य हैं और लगभग 1.5 लाख मनुष्य मर गए हैं। ये छठी इंद्री हो या नहीं हो, लेकिन ये तो फैक्ट है ही कि जानवर कम मरे हैं। अलोंग इंडियाज कोडालोर कोस्ट है, भारत का जो कोडालोर कोस्ट है उसके सारे, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश डे, जहाँ हजारों लोग हैं वो पेरिश हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। बफेलोज गोट्स डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन जो भैंसें बकरियाँ कुत्ते हैं वो पाए गए हैं अनहार्म्ड, बिना हानि पहुँचे पाए गए हैं। हजारों लोग मर गए थे कोडालोर कोस्ट में, लेकिन जो भैंसें बकरियाँ और कुत्ते हैं वो बिल्कुल भी अनहार्म्ड पाए हैं। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स है। याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में है, वो घर है वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, विभिन्न प्रकार के जानवरों का, जिसमें इंक्लूड है एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स है, और 130 पक्षियों की प्रजातियाँ शामिल है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 जो पर्यटक हैं वो वॉश हो गए थे फ्रॉम द पठानगाला बीच इनसाइड द पार्क है। पार्क के अंदर जो पठानगाला बीच है वहाँ से 60 लोग बह गए थे, किंतु नो एनिमल कारकासेज वर फाउंड है, किंतु किसी भी जानवर का जो कैरकेस है, किसी भी जानवर की जो डेड बॉडी है वो मिली नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जानवर कोई नहीं मरे, जबकि 60 मनुष्य है वो बह गए थे। एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोज, दो जो वाटर बफेलोज थी उनके अलावा किसी भी जानवर का कैरकेस नहीं मिला है, डेड बॉडी नहीं मिली है। बट एन आवर बिफोर, किंतु लगभग एक घंटे पहले सुनामी हिट हुई। सुनामी टकराई उससे एक घंटे पहले ही पीपल एट याला नेशनल पार्क में जो लोग थे हैड ऑब्जर्व किया था कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे, कि 3 हाथी भाग रहे थे फ्रॉम द पठानगाला बीच से 3 हाथी भाग रहे थे। ये लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि सुनामी हिट हुई से एक घंटा पहले 3 एलिफेंट्स हैं वो भाग रहे थे पठानगाला बीच से। ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन सज्जन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो तट पर रहता है, नियर गेले के पास तट पर रहता है, सेड उसने कहा एज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उसने कहा कि उसके दो कुत्ते थे वुड नॉट गो, नहीं गए फॉर देयर डेली रन, अपने डेली रन पर, अपनी डेली जो रन होती है, डेली जो वॉक होती है उस पर नहीं गए, ऑन द बीच तट पर घूमने नहीं गए थे दो कुत्ते। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, सामान्यतः वो एक्साइटेड होते हैं टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस आउटडोर पर जाने के लिए सामान्यतः वो एक्साइटेड होते हैं, उसने कहा, किंतु उस दिन वो गए नहीं। बट ऑन दैट डे, किंतु उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और अधिक स्वाभाविक रूप से उनका जीवन है वो सेव हो गया, बच गया। तो देखो जानवरों को पता चल गया था। इन सुनामी में कंप्रेशन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन सुनामी 150 पीपल डाइड, सुनामी में 150,000 लोग डाइड मरे थे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, कितने जानवर मरे थे। ये कह रहा है कि भी इंडियन ओशन से जो लहरें हैं वो होती हुई श्रीलंकन और भारतीय कोस्ट से टकराई, वहाँ पर लगभग 150,000 मनुष्य है वो मारे गए थे एक दर्जन देशों में, किंतु नो एनिमल वर रिपोर्टेड टू किल्ड इन दिस
सुनामीज, इन सुनामी में कोई भी जानवर मरा हुआ रिपोर्टेड नहीं हुआ। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और जानवर मरे थे? ये जो श्रीलंका याला नेशनल पार्क है, जो होम है वेराइटी ऑफ एनिमल्स का, जिसमें हाथी है, लेपर्ड्स है, बट 60 पीपल वर वॉश्ड अवे ऑन दैट डे, उस दिन 60 लोग बह गए थे। बट नो कार्कस ऑफ द एनिमल वर फाउंड, कोई भी जानवर का शव नहीं मिला, डेड बॉडी नहीं मिली। हाँ, दो वाटर बफेलोज वर डेड बॉडीज वर फाउंड, दो वाटर बफेलोज की पाई गई थी, लेकिन कोई भी जानवर नवा मरा हुआ नहीं पाया गया था, लेकिन 60 लोग बह गए थे। What do people say about the elephants of the Yala National Park? Yala National Park के जो elephants के बारे में लोग क्या कहते हैं? The Yala National Park से में जो दो elephants थे, 3 elephants थे, they were running from the Yala National Park on that day and hour before. एक घंटे पहले दो elephants Yala National Park से दूर भाग रहे थे, सुनामी टकराने से पहले, ये लोग कह रहे थे। What did the dogs in Gale do? गैले में जो डॉग थे, कुत्ते थे, उन्होंने क्या किया? द गैले डॉग्स फॉरबेड टू गो फॉर आउटिंग, यूजुअली दे वर एक्साइटेड टू गो फॉर द वॉकिंग। यूजुअली सामान्यतः जो कुत्ते थे एक्साइटेड थे बीच पर जाने के लिए, घूमने कर आउटिंग के लिए जाने के लिए, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे वेन द सुनामी हिट, द टू डॉग्स फॉरबेड टू गो आउटिंग, बाहर जाने के लिए दो कुत्तों ने मना कर दिया। So these are the considerations, take write down in your notebook. Thank you so much.